ले लो अपनी साड़ी जोड़ा। ये तो जरूरी है। हाँ सही बात है, साड़ी जोड़ मिठाई का डिब्बा और पैंट शर्ट का जोड़ा। सुबह क्या बढ़िया खिंचो। तो और बढ़िया बात है, दोनों बहन बहन हो गई। हम तो खड़े ऐसे बना रहे, क्या कर रही है? अब बताओ मैं अच्छा। चलो भाई हैप्पी रक्षाबंधन। पैसा रुक दे दो, पैसा रुक पकड़ाओ। हम तो दे दूंगी जीजा, रुक जाइए पकड़िए एक मिनट रुक जीजा। मिठाई तैयार, हैप्पी रक्षाबंधन सभी को फिर से। चलिए फ्रेंड्स चाय नाश्ता कर लेते हैं। फ्रेंड्स चाय नाश्ता चल रहा है, बैठे साथ में फिर लगे अपने कामों में। काम तो हमारे सारे हो ही गए, सब काम कर लिए। कचौरी बना ली है हमारी, जो है सब्जी बन गई आलू मटर की, चावल भी बन गए, चाय बना कर आए हैं, नाश्ता वहाँ का सारा करके आज प्रिंसिपल पब्लिक खाने घाल के उसके बाद हम चले यहाँ पर। अब यहाँ पर रिलैक्स करेंगे, दो घंटे यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। और आज कुछ काम नहीं है, आज की संडे, आज की छुट्टी है हमारी। रक्षा चाय नाश्ता कर लेते हैं। सही बात है, तुम ले लो चाय तो साथ में वो मीठा कर लो। कभी कभी मिलते हैं ना ऐसा अच्छा लगता है, जब साथ में सब होते हैं, फैमिली होती है, जब भी अच्छा लगता है। जैसे हम अपने पीहर में सलापुर में गए थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा हमारे ग्रुप, हमारी फैमिली का, लड़कियों का और भतीजे भतीजियों का, भाभियों का। इसी तरह देखो यहाँ पे भी इस तरह ही रहना है मिलजुल कर। और क्या रखा है दुनिया में, सब ऐसे ही चले जाएंगे, इसलिए जितना भी मिलके रहो, जितने अच्छी तरीके से रहो घुल मिलकर, उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो दो बहुतें आ गई हैं हमारे घर पर, अभी और आने वाली हैं छह, भगवान बनाए रखे। और इसी तरह खुशियाँ बटोरते रहेंगे, इसी तरह खुश रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, और क्या चाहिए। और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन प्लीज। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स में जल लगा कर नहीं आई थी, तो हम दोनों जल लगा देंगे और फिर दोनों पहले बैठकर आप खाएंगे खाना। तो देखो कितनी बढ़िया और सुंदर, एकदम गोल मटोल हंडिया स्टील की। तो देखिए हंडिया बिल्कुल ऐसी है जैसे मटका होता है ना, इस तरह का, कितना कितना अच्छा लग रहा है। और ये बहुत सुंदर लगा मुझे जब जीजी ने लिया ना, हमारी खुद की दुकान है जीजा की। फ्रेंड्स ये वाला मटका जब जीजी ने रई के साथ आता है मटका, इसके ऊपर रई है और ये मटका है। और जब हमारी घर की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, तो वो इस पे जीजी ने लिया और इतना प्यारा मटका है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा हमारे घर का। इसमें रखा रहा था ये सब्जी आलू बैंगन की, ये आलू मिर्च है सर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर रायता,
आलू शिमला मिर्च और हम बना रहे खाना और तो हमारी टेस्टी गर्म गर्म रोटी है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है, जैसे देखने में अच्छी लग रही है वैसे खाने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और आइए फ्रेंड्स आपकी भी दावत है हमारे घर खाना खाइए। और बहुत अच्छा खाना बनाती दीदी, सब्जी बहुत टेस्टी बनाती है, गर्म देखिए रोटियां। और जीजा हमारे खाकर चले गए हैं, बच्चों ने खाना खा लिया है। ऐसी दौरानी छांट कर लेकर आई हूँ, ऐसी दौरानी देवर को नहीं मिलती, कहने में तो बहन है पर यहाँ पे ऐसी दौरानी नहीं आती कोई भी है ना, जो इतनी गौर करे मेरी, मेरे ब्लाउज उलाउज सब चीज की हर चीज का ध्यान करती है। ऐसी बच्चे सपोर्ट बनाए रखे एक दूसरे, ऐसी बहनों को होना चाहिए एक दूसरे का साथ होना चाहिए, एक दूसरे की बातों को ध्यान देना चाहिए, एक दूसरे के कामों को ध्यान देना चाहिए, काम बिगड़ने नहीं चाहिए, जब भी जहाँ जाए एक दूसरे के साथ निभाए, ऐसा नहीं खाना खाने का चीज ना हो उस चीज की मदद करें। हाँ। एक दूसरे के साथ चलें। हाँ। और कुछ नहीं इस दुनिया में रखा, सब यही रह जाए तो सब छोड़ चले जाएंगे। और इधर देखिए तनिषा का टॉप, तो फ्रेंड्स देखिए तनिषा का टॉप जो हम सलारपुर से लाए थे, तीनों बहन शॉपिंग कर कर आए थे ना, तो तीनों बहन के साथ यहाँ पर तनिषा के लिए मैं छोटी बहन और जीजी हम साथ में गए थे, तो ये 3000 की शॉपिंग की थी प्रशांत की, विवेक की और तनिषा की। तनिषा ले थी खा लो, नहीं नहीं हम तो एक साथ बैठ कर आराम से खा लेंगे, पहले तुम ले लो। तो फ्रेंड्स अब रीति खाएगा, तो फ्रेंड्स ये रायता है और मटके में से हमने जग में कर लिया है और जा रहे हैं अंदर खाना खाने के लिए। और देखिए यहाँ पर हमारी हरी भरी ढेर सारी सब्जी और प्याज, देखिए कितने मोटे मोटे बढ़िया लग रहे हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये हरा धनिया और ये भिंडी और नींबू और इसमें नीचे खीरे रखे हैं और ये है गोभी। चलिए फ्रेंड्स हरी ताज़ी सब्जियाँ और ये देख सकते हैं, ये है हमारे यहाँ का शीशा साफ करने वाला, इस तरह तो शीशा साफ करो या कुछ भी साफ करो, देखिए कितना बढ़िया और एकदम न्यू डिजाइन। इस तरह हाथ डालो जैसे चप्पल में पैर डालते हैं, इस तरह हाथ डालो और इस तरह हम जो है यहाँ पर एकदम शीशे को एकदम चमका देंगे। और ये हमारे जीजा ये मेज लाए हैं, तो फ्रेंड्स ये वाले जीजा हमारे मेज लाए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्यारी और कितनी सुंदर मेज है। और इधर हमने यहाँ पर डाइनिंग टेबल और सोफा कवर डाल रखा है, उधर ये दुकान है यहीं पे सेपरेट। और चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने पेपर लगा लिया है, और पेपर लगाने से जो हमारी खाट है वो गंदी नहीं होगी। ये हमारी चटनी, ये यहाँ पर हमारी सब्जी देख सकते हैं, ये हमारी मिर्च सूखी हुई और ये हमारी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं, यहाँ पर तनिषा बैठेगी, पानी ले लिया है। और फ्रेंड्स हमारी गरम गरम रोटियाँ देखिए, हमारी गरम गरम टेस्ट टेस्टी रोटी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर खाना चल रहा है, हमारे आदमी पता तो पड़ेगा खरीद लेगा कैसे भाव पड़ेगा, हम लोग खाना खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स खाना बहुत टेस्टी बनना है, इधर हमने टीवी चला रखा है, हमारा रायता बहुत बढ़िया। बेड खोल लिया है और जीजी ने जो चादर ली है वो दिखा रही है, ये देखिए इस सारी चादर, तो देखिए कलर कितना प्यार लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, वाव। तो फ्रेंड्स इसका कलर मुझे ज्यादा प्यार लग रहा है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फूल कितने प्यारे लग रहे हैं इसके, ये वाली चादर बहुत प्यार लग रही है। और इसका कपड़ा ना बिल्कुल सूती एकदम बढ़िया प्योर सूती, यानी कि खादी भंडार होते ना, खादी भंडार की एकदम प्योर जो है सूती चादर देखिए फ्रेंड्स है ना एकदम बढ़िया। और ये है कालीन जो जीजी लिया है, हाँ दरअसल कालीन है, ये ना कालीन बोला बेटा, ये कालीन है फ्रेंड्स,
देख सकते हैं मोटा वाला कालीन और इस तरह के मतलब धागों से रेशमी धागों से बना हुआ एकदम मजबूत एकदम चीज बढ़िया। तो देखिए कितने कलरफुल और प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर और सारी सारे निकाल कर दिखा दिए हैं और यहाँ पर हम लौट रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चादर आपको दिखा दी है, टीवी चला रखा है हमने और यहीं पे लेट रहे हैं, थोड़ी देर लेटेंगे उसके बाद अपने चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर अभी चाय चल रही है, 3 बज गए हैं, आज की मैं छुट्टी है तो यहीं पे दोनों बहन बैठे बातें कर रहे हैं और बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इधर हमारी ये बना दी जीजी ने चाय और जीजा को दे दी है और विवेक भी आ गया है, ऋतिक और विवेक ऊपर छत पर चाय पहुँचा दी है, हम यहाँ पे पी रहे। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो है एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें हमारी वीडियो को। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं दोनों बहनों का जो है हमारा प्यार और एक दूसरे का सपोर्ट एक दूसरे के साथ। इसी तरह हमें जो है जीजी को 25 साल हो गए हैं और मुझे 22 साल हो गए हैं और अब जीजी बताएंगे। तो आप अपने साथ चाय पीजिए, बच्चे ऊपर बैठे, हम दोनों बहनें यहाँ पर बैठे तो हमारे साथ आप और आज की हमारी सेम साड़ी सेम कलर की साड़ी पहनी है दोनों बहनों ने एक जैसे और कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चे बैठे हैं ऊपर छत पे और एक कमरा छत पे भी होना चाहिए, तो देख सकते हैं स्पेस कितना मिल जाता है। इधर यहाँ पर बच्चों के लिए चाय नाश्ता ले आए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स चाय नाश्ता दे दिया है बच्चों को। ऐसे तो कितना भरा हो फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये मोर पंख का फूल, ये आप देख सकते हैं मुझे नाम याद नहीं है इसका, और ये देखिए कितना प्यारा एकदम ब्यूटीफुल एकदम सब। और ये अमरूद का पेड़ भी हो चुका है, यहाँ पर बीज डाल दिया है तो इसलिए हो गया है और जब तो उसमें तोरी हो रही है उसमें तोरी है और देखिए मौसम और हरियाली देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तोरी भी हो गई है, तोरी खाएंगे अगर लग जाएंगे। और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ मौसम और खुला एकदम बढ़िया हो गया मौसम। आप देख रहे हैं कितना प्यारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जी घर से। ये छोटी वाली बहन ने चॉकलेट और लड्डू मंगाए हैं, तो फ्रेंड्स छोटी बहन ने चॉकलेट भेजी है और लड्डू भेजे हैं जीजी को दे आए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ पर छोटी बहन के यहाँ पर एक विधायक की लड़की आई थी, तो उसकी लड़की ने ये बनाकर भेजे हैं चॉकलेट की बर्फी, और देख सकते हैं बर्फी आपको दिखा दो चॉकलेट की, ये देखिए ऐसी वाली और ये ऐसी वाली, और ये लड्डू भी वो लाई है विधायक की वाइफ है मतलब, और राखी बांधने के लिए आई थी छोटी बहन के यहाँ पर सुनील के हमारे जो छोटी बहन का हस्बैंड है, तो यहाँ पर वो दे गए हैं और 2 मिठाई के डिब्बे भेजे हैं छोटी बहन ने। और इधर जो है ये चाउमीन विवेक लाया है वो इधर खा रहा है और हवा चल रही है कूलर की ठंडी ठंडी। इधर हम जो है अपना जो है यहाँ पर झंडा भी ले आए तो हमारे देश का झंडा, और यहाँ पर मैं और तनीषा जो है खा रहे हैं चाउमीन और अभी आए हैं हम। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम आए जीजी घर से और साथ ही साथ हमें चाउमीन मिल गया खाने के लिए, बहुत ही बढ़िया है और अच्छा लगता है अगर ऐसे सरप्राइज मिलते हैं। चमक रहा है जुगनू मतलब एक कीड़ा है, और देखिए कैसे चमक रहा है लाइट, इसे बाहर छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि ये अंदर आ गया है, और इसे हाथ में ले ले देखिए फ्रेंड्स कैसे चमक रहा है।
उड़ गया फ्रेंड्स। और इधर आ गई बारिश, और आज है 12 तारीख और आ चुकी है बारिश हमारे यहाँ पर। और हमारी जो है देख सकते हैं बारिश, वाह भाई वाह। तो फ्रेंड्स देखिए 12 तारीख की रात और देखिए बारिश आ चुकी है। और हमारा खाना जो है भी बना नहीं है, सब्जी हमारी बची हुई रखी है और चावल रखे हैं, और बनाएंगे कचौरियाँ क्योंकि सुबह हमने खाई नहीं थी, अब बनाएंगे। और देख सकते कितनी तगड़ी तेज बारिश, अचानक से आ गई तेज बारिश हमारे यहाँ पर। अभी आइए एक मिनट के अंदर, देखिए ये हमारे चूल्हे का कट्टा भी उड़ गया है, ऐसे ढक देती हूँ मैं। ओके, और मैंने कितना प्यारा चूल्हा बनाया है, और देखिए ऐसे अच्छे लगते हैं चूल्हे, बढ़िया अंगीठी और चूल्हे। चलिए फ्रेंड्स बारिश को पड़ने देते हैं, हम अपना काम कर लेते हैं। अभी हमारे ये भी नहीं आए हैं, और कितनी सुंदर बारिश पड़ रही है, ऐसे लगाया कि अभी नहा लें, है ना। तो फ्रेंड्स रात के समय में जब हम वीडियो बनाते हैं तो लाल लाल चेहरे आते हैं क्योंकि मौसम के हिसाब से, और थोड़ा अंधेरा है इसलिए। और इधर देख सकते हैं बारिश, बारिश के इस मौसम में जो है पर्दे लगाए हैं, जब मैं लिए ना पर्दे वो हमने लगा दिए, देखिए नीला पर्दा, ये ग्रीन पर्दा, और दोनों ही कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया लग रहे हैं इस तरह की। देखिए फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं, बढ़िया है ना। पैसे तो लगते हैं लेकिन जो है चीजें भी निखर निखर कर आती हैं, और देखिए कितना अच्छा लुक है। जो पहले पर्दे हैं वो भी परफेक्ट और बढ़िया लगते हैं, और ये वाले भी एकदम पर्दे कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगा हमें। चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं खाने की तैयारी, और गर्मी में चेहरा दे सकते हैं किस तरह का हो गया है। और सुबह तैयार होते हैं तो कितने परफेक्ट लगते हैं, और शाम को तैयार होते हैं तो कितने लगते हैं। उधर यहाँ पर बारिश में भीगने का चल रहा है मौसम, और आज जो है सावन भी खत्म हो गया है। आज जो तारीख है 12 तारीख, आज सावन लास्ट है, अब सावन भी खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स सिंदार विंदार सब बंद, राखी रक्षाबंधन भी हो गई है, तो सभी त्योहार खत्म हो गए। तो फ्रेंड्स आज रक्षाबंधन के साथ साथ जो है सिंदारे भी खत्म हो गए हैं, बस अब अगले महीने से चलेंगे, फंक्शन चलेंगे, जो भी आएंगे वो भी आपको दिखाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स, और मैं बना रही थी खाना, 8 बजे हैं अभी ये आई नहीं है, तो मैं सोच रही गर्म गर्म ही बनाऊं उनके लिए। तो चलिए हम थोड़ी सी यहाँ का आनंद लेते हैं ठंडी ठंडी हवाओं का और बारिश का।